कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मैं और मेरा छत्तीसगढ़, इस परिदृश्य में मैं मिसेस अनु रॉय आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बात करते हैं छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की। इस परिवेश में, जो परिवेश भारत की परंपरा के अनुसार चल रही थी, इससे छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं था। इस छत्तीसगढ़ के योगदान की बात की जाए तो न केवल स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, यहाँ तक कि कृषक, आदिवासी समाज और हमारे साहित्यकारों का भी विशेष योगदान देखने को मिलता है। जो परिवेश और जो परिस्थितियां भारतवर्ष में चल रही थी, वह छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं था। इसी में बात करते हैं सोना खान के विद्रोह की। सोना खान के विद्रोह, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह जी का योगदान है और उनके बलिदान को जानने की चर्चा करते हैं। इससे पहले, सोना खान के विद्रोह से पहले हमें उस सोना खान जमींदारी की इतिहास के में जानना होगा। यह जमींदारी रतनपुर के कलचूरी राजा बहरेंद्र साय, जिनका समय 1500 ईस्वी था, उनके द्वारा वीर नारायण के पूर्वजों को उनकी सैनिक सेवा के पुरस्कार के रूप में मुक्त जागीर स्वरूप प्रदान की गई थी। समय के साथ साथ सोना खान जमींदारी में परिवर्तन होता रहा, लेकिन 1819 में एगेनियों के प्रशासन काल में सोना खान के जमींदार राम राय, जो वीर नारायण सिंह जी के पिता थे, उन्होंने विद्रोह का बिगुल बजाया, जिसके कारण 1818 में तृतीय मराठा युद्ध के समापन के साथ ही सोना खान जमींदारी ब्रिटिश नियंत्रण में आ गई थी, जिससे जमींदार राम राय विद्रोह कर खलसा क्षेत्र में 300 गाँवों पर कब्जा कर लिया। तत्पश्चात कंपनी प्रशासन ने कैप्टन मैक्सन के नेतृत्व में विद्रोह दमन के हेतु सेना भेजी। सोना खान के समीप ब्रिटिश फौज ने राम राय की सेना को परास्त कर दिया, लेकिन एक महत्वपूर्ण संधि के बाद राम राय को पुनः सोना खान की जिम्मेदारी सौंप दी गई। वीर नारायण सिंह, जो 35 वर्ष की आयु में ही अपने पिता राम राय की मृत्यु के बाद जमींदारी के कार्यभार को ग्रहण करने योग्य हुए। इधर अंग्रेजों ने सोना खान के प्रति आर्थिक शोषण और लाभ की ही नीति का अनुगमन किया और जमींदारों को अंग्रेजी कोषालय से कुछ भी न देने का फैसला किया। इस समय 1856 में इस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा, लोग भूख से मरने लगे। इसे देखकर वीर नारायण सिंह ने अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए कसडोल के एक व्यापारी माखन के गोदाम का अनाज 1856 के अगस्त महीने में लेकर उसे भूखी प्रजा को बांट दिया। तुरंत ही इसकी सूचना रायपुर के डिप्टी कमिश्नर को दे दी गई। तत्पश्चात वीर नारायण सिंह को बुलाया गया, वे नहीं आए। आदेश का पालन न होने की वजह से इनके लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया। सत्यता तो यह थी कि वीर नारायण सिंह ने यह सूचना स्वयं अंग्रेजी हुकूमत को दे दी थी और कहा था कि यह उनके द्वारा एक साहसिक कदम है जो उन्होंने मानवीय दृष्टिकोण से उठाया था, लेकिन तत्कालिक डिप्टी कमिश्नर ने अपना शासकीय बयान में इस घटना के विवरण को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और इस कृत्य को गंभीर अपराध की सजा दे दी गई। रायपुर से कटक तक सभी प्रशासनिक अधिकारियों को नारायण सिंह को गिरफ्तार कर रायपुर लाने का आदेश दिया गया और सैनिकों को टुकड़े में भेजा गया। 24 अक्टूबर सन 1856 को संबलपुर में वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें रायपुर लाया गया तथा उन पर लूटपाट और डकैती का आरोप लगाकर उन्हें रायपुर जेल में बंद कर दिया गया। इसके पीछे वास्तविक कारण अंग्रेज अधिकारियों को वीर नारायण सिंह की राजनीतिक चेतना और ईर्ष्या का मूल कारण बना था। दूसरा कारण था, सोना खान जमींदारी से अंग्रेजी कोष भेजी ही नहीं जाती थी क्योंकि वह करमुक्त जमींदारी थी। इसी समय मध्य प्रांत के क्षेत्र के अमेय अंग्रेजों के विरुद्ध सन 1857 का विद्रोह आरम्भ हो गया था। इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी पड़ा, जिससे वीर नारायण सिंह पूरे 10 माह 4 दिन जेल में बंद रहने के बाद जेल से भाग निकले और सोना खान पहुंचे। इसकी सूचना डिप्टी कमिश्नर को 28 अगस्त 1857 की सुबह मिली थी। वीर नारायण सिंह और 3 कैदी सुरंग बनाकर जेल से भाग निकले हैं। तत्काल ही वीर नारायण सिंह की खोज और गिरफ्तारी हेतु लेफ्टिनेंट नेपियर के साथ लेफ्टिनेंट स्मिथ सेना सहित निकल पड़े। वीर नारायण सिंह के साहस और शक्ति की जानकारी अंग्रेजी सेना को पता तो थी, इसी कारण स्मिथ ने मार्ग में जमींदारों से सहयोग लिया। देवरी का जमींदार, जो रिश्ते में नारायण सिंह के चाचा थे, उनके खानदानी शत्रु भी थे जो स्मिथ का प्रदर्शन करा रहे थे। साथ ही भटगांव बिलाईगढ़ की जमींदारियों के सहयोग से स्मिथ और नेपियर ने 1 दिसंबर को सोना खान प्रस्थान किया, जहाँ वीर नारायण सिंह अपने नेतृत्व में 500 सैनिकों की सेना के साथ तैयार थे। सोना खान से कुछ दूर नाले के समीप वीर नारायण ने स्मिथ की सेना पर आक्रमण किया।
इस घमासान युद्ध में जब स्मित की सेना पराजित होती दिखी तो उसने देवरी भटगांव और बिलाईगढ़ जमींदारी सेवा का सहयोग मांगा, फिर वीर नारायण सिंह को पीछे हटने हेतु विवश किया। स्मित ने सोना खान में घुसकर खाली गांव में आग लगा दी और उसके विवरण में लिखा, रात बड़ी उत्तेजनात्मक थी किंतु चमकती हुई चांदनी और आग में धधकते हुए गांव की रोशनी से हमें काफी लाभ पहुंचा। अगली सुबह 2 दिसंबर को कटंगी की फौज स्मित से जा मिली। दोपहर के बाद स्मित उस पहाड़ी की ओर बढ़ा जहां वीर नारायण सिंह अपनी सेना के साथ तैनात थे। स्मित की विशाल सेना ने उस पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया, फिर दोनों ओर से गोलियां चलती रही। अंत में वीर नारायण सिंह गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें 2 दिसंबर 1857 को पुनः रायपुर जेल में बंद कर दिया गया। वीर नारायण सिंह के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। साथ ही स्मित ने अपने अभियान की रिपोर्ट में वीर नारायण सिंह को खतरनाक बताते हुए उस पर किसी भी प्रकार की दया न करने की गुजारिश की। तत्पश्चात वीर नारायण को 10 दिसंबर 1857 को जयस्तंभ चौक पर फांसी की सजा दे दी गई तथा डिप्टी कमिश्नर ने सोना खान की जमींदारी को खालसा तलुक में बदलने की अनुमति दी। इस प्रकार सोना खान के रणकेशरी छत्तीसगढ़ के माटी के सच्चे सपूत देशभक्त जमींदार वीर नारायण सिंह 10 दिसंबर 1857 को शहीद हो गए और छत्तीसगढ़ अंचल के स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद की उपाधि से विभूषित किए गए। लेफ्टिनेंट स्मित ने वीर नारायण सिंह के साथ हुए संघर्ष में लिखा, नारायण सिंह ने उत्कृष्ट शौर्य साहस एवं उत्साह के साथ हम लोगों का गुरिल्ला पद्धति से मुकाबला किया। इस देशभक्त का बलिदान सदियों तक छत्तीसगढ़ भारतीय इतिहास में रहेगा। और इस तरह के महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं और मेरा छत्तीसगढ़। ऐसे ही कुछ अन्य घटनाओं के साथ अभी सभी के समक्ष एक बार फिर से उपस्थित होंगी। क्योंकि मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच, लव यू एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल माय बच्चा।